हेलो जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में तो जी सैटरडे इवनिंग से ब्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है और इस वक्त अभी सवा चार बजे है बच्चों को छोड़ के क्लासेस से मैं अभी आई हूँ और तूफ़ान आप देख सकते हो कितना बुरी तरह से आया है ये सामने आपको पौधे दिखाई दे रहे तो धूल मिट्टी इतनी दिखाई नहीं दे रही है अदरवाइज़ मेरे को अभी मैं जब बच्चों को छोड़ घर आई ना रास्ते में मैं करीबन पहुँचते पहुँचते पाँच मिनट का रास्ता था जो मैंने बीस मिनट की दूरी में तय किया है तो आप समझ सकते होंगे कि कितना बुरा हाल था और आज मैं चश्मा लगाना भी भूल गई जिसकी वजह से आँखों में बहुत बुरी तरह से मिट्टी जो है वो घुस रही थी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हमेशा जो है आप लोग मुझसे पूछते हो कि आ, हमारा रूटीन जो है वो कैसा होना चाहिए आपका रूटीन जो है वो एकदम ऐसे सेट कैसे है तो हम महिलाओं का रूटीन कैसा होना चाहिए कितने बजे सोना चाहिए कितने बजे उठना चाहिए वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ अभी इस वक्त जो है सुबह के पाँच बज गए हैं उठे हुए मेरे को पंद्रह बीस मिनट तो देखो हो ही चुकी है और अभी जो है मैं बनाऊंगी चाय उससे पहले पानी वगैरह पीऊँगी बच्चों को हिमा के पापा को चाय पानी दूंगी और फिर उसके बाद मैं अपने किचन के काम में लगूंगी और उससे पहले जो है मुझे बच्चों को उठाने से पहले निकालना है घर में झाड़ू बहुत बार महिलाओं का रूटीन जो है वो सेम रहता है बहुत बार बिल्कुल भी सेम नहीं रहता है जैसे कल आंधी आई थी बहुत ज़्यादा जिसने घर में बहुत ज़्यादा बुरा हाल जो है वो कर दिया है जिसकी वजह से चाय पीकर सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि बच्चों के उठने से पहले झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बार झाड़ू लग जाए उसके बाद दोबारा लगाने की जरूरत मुझे अगर मुझे महसूस होगी तो बाद में लगा लूंगी आंधी तूफान की वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है डस्टिंग और क्लीनिंग मैं बाद में करने वाली हूँ लेकिन सबसे पहले झाड़ू मैं लगाने वाली हूँ रेत मैं आपको दिखाऊंगी कि इतना ज्यादा बुरा हाल जो है होगा आंधे ना शाम को आई थी तो शाम को झाड़ू वगैरह निकालते नहीं हैं और इतना टाइम भी नहीं लग पाया था और कल व्लॉग भी नहीं गया था उसकी वजह आप जानते ही हो अभी वीडियो में आप हाथ से आप समझ ही गए होंगे बहुत सारे मैसेज भी आए थे तो मुझे जो है पिछले चार पाँच दिन से हिमां के पापा को बहुत तेज बुखार था फिर जो है वो जुखाम और बुखार वरुण को लगा और वरुण से फिर जो है वो मुझे लग गया कल बहुत ज़्यादा बुखार था जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो शेयर नहीं कर पाई और जो ये रूटीन होता है ये एक दिन में सेट नहीं होता या एक महीने में सेट नहीं होता है टाइम लग जाता दो महीने तीन महीने जो है वो लग जाते हैं गर्मिया बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इस गर्मी में गर्मी से राहत पाने के लिए आज मैंने बहुत ही अच्छी चीज मंगवाई है वो मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ मैंने मंगाया है अगारो का पोर्टेबल मिनी फैन जी है जिसका मॉडल है इलाइट जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो और ये रिचार्जेबल है मैं बार बार इसको रिचार्ज कर सकते हो की इसकी मोटर है बहुत ही लाइट लाइट वेट है और जो है लाइट इंडिकेटर भी है जी हाँ और चार्जिंग केबल इसके साथ ही आती है कहीं भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो और इसमें एक ये फैल जो है वो डलता है और आराम से इसको जो है वो एडजस्ट करके मैं अभी आपको एडजस्ट करके दिखा अच्छा ये फैन में सबसे लास्ट में एक आपको दिख रहा होगा ये वाला मैंने स्टिकर मैंने खुद लगाया इसको एक फंकी सालू को देने के लिए इसका ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है ये मैंने खुद लगाया है यूज़ कर सकते हो ऑफिस में यूज़ कर सकते हो या कहीं आप बाहर जाते हो या ट्रैवलिंग में कहीं जाते हो या कैंपिंग के लिए कहीं जाते हो तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो मेरे बच्चों को तो ना बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने इसको पंद्रह दिन से मंगवा के रखा हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे बच्चों को तो बहुत बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं तब भी यूज़ कर लेते हैं या फिर जो है आराम से बैठ कर टी देख रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं कुछ भी बैठे बैठे कर रहे हैं तो उसका यूज़ कर सकते हो तो आप को देख सकते हो कितना अच्छा जो है वो लग रहा है मैं किचन में काम करती हूँ ना तब भी जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ या और अपने वैसे घर के काम करती हूँ तो भी मैं इसका जो है वो यूज़ कर लेती हूँ अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और दोपहर का एकदम टाइम है ऊपर मैं रहती हूँ जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो बन जाती है तो इसका यूज़ मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अमेजोन से मंगवाया ज़्यादा जो है वो महंगा भी नहीं है और वरुण भी जो ये देखिए पढ़ाई भी कर रहा है और सामने इस पे स्टैंड भी लग बना हुआ है इसी स्टैंड के अंदर फोन भी रखा हुआ है और आराम से बैठ वो पढ़ाई जो है वो कर सकता है तो जी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैंने मस्त बाय प्रोडक्ट है ज़रूर बाय करिएगा बहुत ही अफोर्डेबल सो so, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना गर्मी में बहुत ही अच्छा खासकर मैंने ये ना सच बताऊँ मेरे हस्बैंड के लिए मंगाया नई ड्यूटीज़ वगैरह होती है ना कहीं बाहर जाना पड़ जाता गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो बाहर है भाई ए सी कूलर कहाँ लेके चले पंखा मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है तो ये मुझे अमेज़न पर दिखा तो मैंने सोचा कि हस्बैंड के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और वैसे भी कहीं बाहर आते जाते हैं तो वैसे ही बहुत मिनी पोर्टेबल फ़ैन तो होना ही होना चाहिए तो फिर जो है मैंने इसको बाय कर लिया और आप लोग के साथ जो है वो शेयर करा तभी बच्चों का लंच मैं पैक कर रही हूँ और अभी तक तो ये था हिम्मत मार के ना मैं अपने कामों में लगी हुई थी महिलाएं चाहे कोई भी है चाहे वर्किंग वूमेन है चाहे वो हाउस वाइफ है चाहे कोई किसी कोई भी रोल जो है वो प्ले कर रही है टाइमिंग उसकी एक ही रहती है उसका खाना पीना रहना सहना बच्चों के लिए लंच पैक करना घर के काम सब कुछ जो है वो हर महिला का जो है वो सेम ही रहता है बस किसी का ज़्यादा होता है किसी का थोड़ा सा जो है वो कम होता है घर की फैमिली के अनुसार जो है वो डिपेंड करता है करीबन पाँच बजे से बाद में उठना मैं समझूंगी कि बेवकूफ़ी -बे, वाला काम जो है वो होता है क्योंकि पाँच बजने के अगर मैं पाँच से सवा पाँच भी कर दूँ ना तो मेरे लिए बच्चों का पंद्रह मिनट में ही बच्चों का टाइमिंग मेरी टाइमिंग क्योंकि सुबह के जो है दस पंद्रह मिनट मैं अपने आप को भी देती हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है और जिसकी वजह से मैं टाइम से बच्चों को उठाने में और आप उनका लंच वगैरह पैक करने में सक्षम नहीं हो पाती हूँ तो मैं तो देखो साढ़े चार तो उठती ही उठती हूँ लेकिन पाँच से तो लेट मैं कभी भी नहीं करती हूँ अलग बात होती है कि तबीयत ठीक नहीं है या कुछ और है तबीयत ठीक ना हो तो इंसान क्या पता सात बजे भी उठ जाए लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मैं मतलब आज तो कोशिश करके मैं उठ भी गई थी अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी स्कूल से आ गई है हिम्मत नहीं हो रही थी मैं कुछ और बना पाऊँ तो मैंने बहुत लंबे टाइम के बाद जो है वो मैगी बनाई है डेली डेली तो हम इस तरह की चीज़ें मैं बच्चों को देती नहीं हूँ और ये नई कैटल मैंने जो है वो ख़रीदी है पिछले एक हफ्ते से मैं इसको यूज़ कर रही तो आज सोचा मैं वीडियो में भी इसको मैं दिखा देती हूँ एक बार उसमें क्या क्या बनता है मल्टीपर्पज़ कैटल है ये इसमें क्या कुछ बनता है वो चीज़ें धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ ज़्यादा महंगी भी नहीं है बहुत ही अफोर्डेबल रेट में जो है वो मुझको मिल गई थी ये तो यहाँ पर जो है ये एक दो दिन पहले ना हस्बैंड ने क्या किया था कार वॉश करी थी साइकिल मोटरसाइकिल और स्कूटी भी वॉश करी थी तो कार वॉश करी ना तो ये भी जो अच्छे से कार के अंदर से सारा रेत मिट्टी धूल मिट्टी जो कुछ भी होता है ना तो ये वैक्यूम क्लीनर था इससे बहुत अच्छे से इसको जो है वो क्लीन किया था तो फिर जो है अभी इतने महंगा जो हमारा सामान होता है ना उसको हम यूज़ तो करते हैं और बहुत फायदेमंद भी होता है सच कहूँ तो बहुत सारा काम हमारा कम कर देता है लेकिन क्या होता है कि इसका देख रेख और इसकी साफ़ सफाई भी इतनी ज़्यादा जरूरी होती है तो इसके एक एक पुर्जे को मैं निकालूंगी इतना अच्छा है ये मैं पिछले डेढ़ साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ इतना अच्छा है कि एक एक पुर्जा जो है वो खुल जाता है यूज़ हो जाता है आराम से धुल जाता है सफ़ाई हो जाती है और अच्छे इसको अच्छे से पैक करके मैं रख देती हूँ और इसकी से ना अलग अलग इसमें अलग अलग अटैचमेंट है तो आराम से जो है वो कोने कोने में जाकर ये साफ़ सफ़ाई जो है वो करता है और उसकी राड रोड भी जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है तो करीबन डेढ़ साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो जी सारा काम हो गया था तो मैंने सोचा अभी बाहर का पोचा लगाना रहता था तो मैंने सोचा साथ साथ में इसको वॉश कर देती हूँ तो बाहर से मैं अच्छे से धुल दूंगी क्योंकि पोचा लगाने का बाहर का कोई फायदा नहीं है बाहर फिर जो जब धूल मिट्टी वगैरह आती है ना तो वहां पर अच्छे से पानी से धो दो ना तो तभी सफाई होती चाहे पोचा आप कितना भी लगा लो लेकिन फिर भी किर जो है वो रहती ही है तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ फिर मैं आराम से जो पानी बचेगा ना उसी से मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी बाद में एक सूखा पोछा जो है वो लगा दूंगी चमक भी आ जाएगी और धूल मिट्टी भी सारी जो है वो चली जाएगी तभी थोड़ी सी खराब है तो बीच में मैं थोड़ा थोड़ा जुकाम का वो आपको महसूस भी हो रहा होगा लेकिन टाइम से वीडियो नहीं जाता तो फिर आपको भी बहुत सारे कमेंट्स मैसेज फोन आते हैं कि दीदी वीडियो नहीं आया तो मैं आज पूरी हिम्मत करके वीडियो जो है रखा हुआ था तो मैंने सोचा एडिट ही तो कर रहा है लेटे लेटे एडिट और कर लेती हूँ वॉइस ओवर वगैरह जो, जो है वो कर लेती हूँ तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ में धो दूंगी पौधों में पानी वगैरह दूंगी ऊपर भी मैंने पौध जो है वो लगाई है तो वो भी मैं जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगी मैं उसमें क्या कुछ है वो आजकल खाद पानी कैसा दे रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं गार्डनिंग करना जो है वो धीरे धीरे सीख रही हूँ तो मुझे एक बार मैं अच्छे से सीख जाऊँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी और यहाँ पर ना धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि ये ग्रिल है ग्रिल के ऊपर ये पत्थर लगा हुआ है शीशे के नीचे आप जो पत्थर देख रहे हो ये लगाओ इसमें भी इतनी ज्यादा धूल मिट्टी हो जाती है यहाँ पे कप, बच्चे खड़े हो जाते हैं हाथ वगैरह लगाते हैं या हम हाथ लगाते हैं तो धूल मिट्टी चिपकती है बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं और वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा गंदा जो किरकिर -किर जो है वो लगती है और आप ये देखो पानी डालने के बाद चमक जो है वो अलग ही होती है क्योंकि बिल्कुल एक एक कोने में से जो है वो धूल मिट्टी निकल आती है फिर जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो अलग ही लेवल की जो एक चीज़ होती है और ये सारे काम टाइम से उठने के बाद जब हम महिलाएं टाइम से उठते हैं ना तो तब जो है वो होते हैं चाहे रूटीन हमारा सुबह का है चाहे वो रूटीन हमारे सारे दिन का है चाहे रूटीन वो हमारा शाम का है कैसा भी रूटीन है लेकिन टाइम से उठना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और यही मेरा रूटीन रहता है कभी कभी रूटीन बदल जाता और कभी कभी रूटीन जो है वो सेम साइज़ है वो रहता अगले दिन भी आप देख लो कितनी तेज़ आंधी तूफान जो है वो आया हुआ है बहुत तेज़ आंधी जो है वो चली हुई थी तो ये प्यौज वगैरह मैंने कुछ लगा दिए कुछ और मैं लगाने वाली हूँ लगाऊंगी जो वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी और किस तरह का खाद बीज का पानी मैं दे रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी तो फिलहाल तो बस ये जो कटिंग वगैरह काटने की चीज़ें थी ना क्योंकि बहुत सारी कटिंग ऐसी करनी होती है जो पौधों को पौधे को ना ग्रो करने नहीं देती है जो एकदम ठहनी सूख जाती है उसको भी अलग करना पड़ता है और अभी व्लॉग एंड करूँगी ही पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को